रंजीत कौर बोल रही हूँ लाइफ मेस्मराइज से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉस्पेरिटी का स्पेल लेके आई हूँ। ये जो स्पेल है वो आपको थर्सडे के दिन करना है, वैक्सिंग मून के पीरियड के वक्त। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कैंडल, पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल, और आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैच स्टिक या फिर लाइटर। फ्रेंड्स, ये जो स्पेल है ये आप अपने ऑफिस में कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मनी का जो फ्लो है वो रुक गया है और आपको मनी का फ्लो बढ़ाना है, तो ये स्पेल बहुत ही इजी है और इफेक्टिव भी है। और अगर आप सेल्स में हैं और आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो भी ये स्पेल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गोल्डन कलर की एक कैंडल लेनी है और उस कैंडल के ऊपर आपको पेपर मिंट का एसेंशियल ऑयल लेना है और उस ऑयल को आपको ऊपर की तरफ ऐसे लगाना है। कैंडल ऊपर की तरफ लगाइएगा, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि हमें प्रॉस्पेरिटी को एनहेंस करना है, तो ऊपर की तरफ ऐसे लगाना है। और फ्रेंड्स, मेरी जो कैंडल है वो डिजाइन वाली है, वो ऊपर को ऐसे ही लाइनिंग स्पाइरल फॉर्म में है, लेकिन आपके पास तो प्लेन कैंडल होगी तो उसके ऊपर आपको एनग्रेव करना है। आप कोई भी नुकीली चीज लेके उसके ऊपर आप एनग्रेव कर सकते हैं और लिख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और लिखिएगा प्रॉस्पेरिटी। और जो भी चीज़ के लिए मनी फ्लो, कंटिन्यूस मनी फ्लो, वो भी आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद फिर आपको एक इमेजिनरी सर्कल बनाना है, वो भी नॉर्थ साइड से, नॉर्थ से स्टार्ट करना है और नॉर्थ पे ही एंड करना है, और आपको नॉर्थ साइड की तरफ फेसिंग करनी है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो ग्रोथ का साइड है। सो फिर आपको कैंडल को जलाना है, और कैंडल को जलाने के बाद आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, बेसिकली अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करना है, और जो कैंडल की फ्लेम है उसकी तरफ आपको देखना है 10 मिनट्स देखते रहना है, और फिर आंखें बंद करनी है। और आंखें बंद करने के बाद आपको माइंड में, अपने मन में अफर्मेशन देनी है कि मुझे सारी डायरेक्शन से मनी का फ्लो आ रहा है। अगर आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि मेरी जो सेल्स है वो सभी डायरेक्शन से आ रही है, सेल्स बढ़ रही है। प्रॉस्पेरिटी को एनहेंस करना है, मनी को एनहेंस करना है, तो आप डेफिनेटली खड़े होके या बैठ भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आप खड़े होके करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि चारों डायरेक्शन से मनी का फ्लो आ रहा है और आपके ऊपर आ रहा है। आपको 3 बार वो अफर्मेशन बोलनी है। फिर अफर्मेशन बोलने के बाद आपको फील करना है कि इस कैंडल की जो गोल्डन लाइट है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो रही है और पूरे रूम से होके सभी जगह पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो रही है, और आपको हर जगह से मनी का फ्लो आ रहा है। आपको सिर्फ फील करना है उस टाइम पे, और फिर 10 मिनट ये अफर्मेशन बोलने के बाद या 5 मिनट आपको अपनी आंखें खोलनी है। फिर जो ये जो कैंडल है उसको पूरा बर्न होने देना है, और फ्रेंड्स कैंडल आपको साइन भी देगी। अगर कैंडल बहुत ज़्यादा चलती है तो आपकी प्रॉस्पेरिटी जल्दी आएगी, लेकिन अगर वो स्लो हो रही है, यानी एकदम नॉर्मल चल रही है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। फ्लो आएगा लेकिन आपको धीरे धीरे आएगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, कैंडल जो है वो आपको बताते हैं, और अगर फ्लेम एकदम कांस्टेंट रहती है तो आपका मनी फ्लो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो फ्लक्चुएट होती रहती है तो फ्लक्चुएशंस भी आएंगे, तो आपको लेकिन आइडिया आ जाएगा कि मनी का फ्लो डेफिनेटली आएगा। तो इससे आप ये स्पेल कर सकते हैं, लेकिन थर्सडे के दिन करना है। थर्सडे नहीं कर सकते तो संडे के दिन कर सकते हैं, लेकिन वैक्सिंग मून पीरियड के वक्त ही कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जब ये कैंडल पूरी बर्न हो जाए, इसका जो रेसिडुअल है उसके ऊपर आप रुपी की साइन बना के उसको ग्रीन या गोल्डन कलर के कपड़े में लपेट के अपने कैशर में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आपको लगे
कि हाँ आपका फ्लो बढ़ रहा है, तो आप इसको मदर अर्थ में एक गड्ढा खोद के उसमें डाल सकते हैं, लेकिन कहीं भी पानी में या रस्ते में नहीं फेंकिएगा। लेकिन अगर अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि ये फ्लो आ रहा है, तो आप इसको अपने ड्रॉअर में ही रखिएगा। फ्रेंड्स, ये स्पेल आप कितनी भी बार कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब भी आपको लगे ये करना है तो आप कर सकते हैं, बट सबसे पहले अगर जब भी आप कोई स्पेल करते हैं अपना माइंड क्लियर रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था स्पेल प्रॉस्पेरिटी का। अगर आपको ये स्पेल अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे हिट जरूर कीजिएगा, और आपके जो भी मैसेजेस हैं मुझे इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।